बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी, जिसके लिए हम आटे का डो गूंदेंगे। इसके लिए हमें पानी चाहिए हाफ कप। हाफ टेबल स्पून इसके अंदर ईस्ट डालेंगे, हाफ टेबल स्पून चीनी डालेंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, ईस्ट बिल्कुल फूल चुकी है। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे हाफ टी स्पून। इसके अंदर हाफ कप दूध डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर 2 कप मैदा डालेंगे। हम इसको अच्छे इसकी डो बना लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। और आटे को अच्छी तरीके से गूंदेंगे। वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। आटे को हम 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके पोटैटो लेने हैं। अच्छी तरीके हम इसमें 2 टेबल स्पून गाजर डालेंगे, 2 टेबल स्पून प्याज, 1 टेबल स्पून मटर, 1 टेबल स्पून शिमला मिर्च और 1/2 कप मोंजरेला चीज़। वन टीस्पून चॉप हुई हुई अदरक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, चॉप हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टेबल स्पून नींबू, नमक हसबे ज़रूरत। हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर 1/2 कप चिकन जाएगी उबली हुई। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। हम इसकी छोटी छोटी सी बोल बना लेंगे। हमें अपनी फिलिंग को इस तरीके से बोल बनाना है। 2 घंटे हो चुके हैं, हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है, डबल हो चुका है। इसके 2 पीस कर लेंगे।
मैंने इसको कढ़ाई से बेल लिया है। अब इसकी कट इस पे कट लगाएंगे। ये मेरे 8 पीस तैयार होंगे। कैसे जो हमने चिकन बॉल तैयार करी थी, चिकन पोटैटो बॉल, उसको इस पे रख देंगे। और इसके साइडों पे पानी लगा लेंगे। हमें इस पे कट लगाना है। हम इसको साइडों से इस तरीके से बंद करेंगे। हम इसको इसके साइड पकड़ के इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस पे अंडे की तेल गरम हो चुका है, इसे हम कढ़ाई में फ्राई करेंगे। इसे हम मीडियम आंच पर पकाएंगे। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा इसको पलट देंगे। ऑयल में ये लाइट ब्राउन हो चुका है, इसको पलट देते हैं। बिल्कुल फ्राई हो चुका है, हम इसको निकाल लेते हैं। रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब तैयारी के टाइम इसे बनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।